तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 150-160 सीसी सेगमेंट की बाइकों के बारे में, जिनकी ऑन रोड प्राइस आपको 150,000 से 155,000 के बीच में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ उन बाइकों में आपको काफी अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं उन बाइकों के बारे में। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर के बाइक की। तो इस पे मैंने अपाची 164V को रखा है। इस बाइक में आपको सबसे ज्यादा पावर देखने को मिल जाती है इस सेगमेंट में। बात करते हैं बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको 159.7 सीसी का 4-वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 17.55 bhp देखने को मिल जाती है एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 14.73 nm देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ टॉप वेरिएंट में इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो इसका मीटर आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सभी बेसिक फीचर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें आपको टॉप स्पीड रिकॉर्ड, 0 to 60 रिकॉर्ड जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट आपको 146 kg देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको GTT फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है ट्रैफिक में। माइलेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों, तो इसकी टॉप स्पीड आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक की देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड है। बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट की आपको 121,790 रुपीज़ देखने को मिल जाएगी। वहीं ऑन रोड प्राइस इसकी 145,000 तक देखने को मिल जाएगी ड्रम वेरिएंट की। एंड अगर आप इस बाइक का स्पेशल एडिशन लेते हो, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 129,325 रुपीज़ देखने को मिलेगी। वहीं ऑन रोड प्राइस आपको 155,646 रुपीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड अगर आप सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक लेना चाहते हो, तो आप इस प्राइस रेंज में इस बाइक के साथ जा सकते हो। बात करते हैं अपने सेकंड नंबर की बाइक की, तो इस पे मैंने बजाज पल्सर N160 को रखा है। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको 164.82 सीसी का 2-वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 16 bhp देखने को मिल जाती है एंड टॉर्क आपको 14.65 nm का देखने को मिल जाएगा। माइलेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 45 से 48 kmpl तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। एंड टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 120 से 125 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस बाइक के मीटर कंसोल की बात करें, तो इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम एवरेज वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में दोस्तों आपको LED प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे इस बाइक के बारे में। टॉप स्पीड की बात करें, तो इस बाइक का टॉप स्पीड आपको 120 से 125 किलोमीटर पर आवर तक का देखने को मिल जाएगा। वेट की बात करें दोस्तों, तो इसके सिंगल चैनल ABS वेरिएंट का वेट आपको 152 kg देखने को मिलेगा, वही डुअल चैनल ABS का आपको वेट 154 kg देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की, तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको सिंगल चैनल ABS की 151,000 देखने को मिल जाएगी, वहीं डुअल चैनल ABS की ऑन रोड प्राइस आपको 155,000 तक देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल बाइक का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इस बाइक के साथ भी जा सकते हो। तो बात करते हैं अपने थर्ड नंबर की बाइक की, तो इस पे मैंने यामाहा की FZ V3 को रखा है। इस बाइक का लुक भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 149 सीसी का 2-वाल्व एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 12.4 bhp देखने को मिल जाती है एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 13.3 nm का देखने को मिल जाएगा। वेट की बात करें दोस्तों, तो इस बाइक का कर्व वेट आपको 135 kg देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कम है इस सेगमेंट में। दोस्तों इस बाइक में आपको कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसके टॉप वेरिएंट डिलक्स वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर भी देखने को मिल जाएगा। मीटर कंसोल की बात करें, तो इसमें आपको नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा एंड सारी बेसिक फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। माइलेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 50 kmpl तक का अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड आपको 110 से 115 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों इस बाइक में आपको सबसे ज़्यादा चौड़े टायर देखने को मिल जाते हैं, रियर के 140 क्रॉस सेक्शन के इसमें आपको टायर देखने को मिलेंगे। इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें, तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको 148,000 से 150,000 तक देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए, तो आप इस बाइक के साथ भी जा सकते हो। बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर के बाइक की, तो इस पे मैंने हीरो एक्सट्रीम 160R को रखा है। इस बाइक का भी पावर आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसके लुक्स भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं इस सेगमेंट में। बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 163
3 सीसी का 2 वेल्व एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 15.2 bhp देखने को मिलेगी एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 14 Nm का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस बाइक में भी आपको काफी अच्छा पावर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इस बाइक का वेट भी आपको कम देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो इसमें आपको 138 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाएगा। इस बाइक की सबसे अच्छी चीज दोस्तों मुझे लगती है इस बाइक में ऑल LED सेटअप। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको काफी अच्छे इलेक्ट्रिकल फीचर देखने को मिल जाएंगे। माइलेज आपको इस बाइक में 45 kmpl तक का देखने को मिल जाएगा। मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको सभी बेसिक फीचर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप इस बाइक के मीटर के ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक का टॉप स्पीड आपको 120 से 125 किलोमीटर पर आवर तक का देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस बाइक के प्राइस की, तो इसके स्टेल्थ एडिशन के एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,23,000 देखने को मिल जाएगी, वही ऑन रोड प्राइस आपको 1,48,000 तक देखने को मिल जाएगी। तो बाइक की प्राइसिंग भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये बाइक काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है इस सेगमेंट में। बात करते हैं अपने 5th नंबर की बाइक की, तो इस पे मैंने होंडा की एक्स ब्लेड को रखा है। इस बाइक का लुक भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है इस सेगमेंट में, साथ ही साथ इस बाइक में फीचर्स भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 162.7 सीसी का 2-valve एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 13.8 bhp देखने को मिलती है एंड टॉर्क आपको 14.7 Nm का देखने को मिल जाता है। तो पावर फिगर्स इस बाइक के भी काफी ज्यादा बढ़िया है। माइलेज की बात करें दोस्तों तो इस बाइक में आपको 47 से 50 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। वेट की बात करें दोस्तों तो इसके सिंगल डिस्क वेरिएंट का वेट आपको 143 kg देखने को मिलेगा, वहीं डुअल डिस्क वेरिएंट का आपको 144 kg वेट देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक में आपको 115 से 120 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस बाइक के सिंगल डिस्क वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,15,700 रुपीज देखने को मिलेगी, वही ऑन रोड प्राइस आपको 1,41,000 तक देखने को मिल जाएगी। डुअल डिस्क वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,20,000 रुपीज देखने को मिलेगी, वही ऑन रोड प्राइस आपको 1,46,000 तक देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ये बाइक भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है एंड आप इस बाइक के साथ भी जा सकते हो। दोस्तों यही थी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।